इंसान हजारों सालों से इलाज के लिए पेड़ पौधों का इस्तेमाल करता आ रहा है। आज के समय में भी आधुनिक दवाओं में उनका इस्तेमाल होता है। तो हम आज आपको बताते हैं कुछ पौधों के बारे में जो बीमारियों से निपटने में कारगर हैं। पहला पौधा है कुनैन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अक्सर इस्तेमाल होने वाली दवाओं की जो लिस्ट तैयार की है उसमें कुनैन को शामिल किया गया है। इसका इस्तेमाल लंबे समय तक मलेरिया को ठीक करने के लिए होता रहा है, मगर अब WHO सिर्फ इसी के जरिए इलाज करने की सलाह नहीं देता है। दूसरा पौधा है गुआराना। ब्राजील में अमेजन के इलाके में उगने वाली गुआराना की बेल से ड्रिंक तैयार होते हैं, जिसे लोग शौक से पीते भी हैं। इस बेल पर लगने वाली छोटी छोटी लाल बेरियों में कैफीन होता है। इसका इस्तेमाल पेट से जुड़ी कई समस्याओं से निपटने के लिए किया जाता है। तीसरा पौधा है चेरी। अफ्रीकी चेरी के छाल को बहुत गुणकारी माना जाता है। केनिया में पारंपरिक इलाज में इसका खूब इस्तेमाल भी होता है। मलेरिया से लेकर पेट और किडनी की बीमारियों तक में ये फायदेमंद है, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए इसका खास तौर से इस्तेमाल किया जाता है। चौथा पौधा है जिनसेंग। जिनसेंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों में से एक है। इसकी जड़ों को एशिया और उत्तर अमेरिका में कई बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी लेवल को मजबूत करने और थकान जैसी चीजों से निपटने के लिए ये बहुत गुणकारी मानी जाती है। पांचवा और आखिरी पौधा है वेटिवर घास। भारत में पाई जाने वाली वेटिवर घास पारंपरिक दवाओं में इस्तेमाल होती है। अपने एंटीसेप्टिक गुणों की वजह से ये क्रीम और साबुन बनाने में इस्तेमाल होती है, साथ ही धरती के कटाव को भी रोकती है। इसे पशुओं को भी खिलाया जाता है और इससे थैला और चटाई भी बनाई जाती है। Keep watching पर्यावरण पोस्ट।